Mitochondria are chondriosomes. Now we talk about mitochondria or now we talk about chondriosomes. ये दोनों मतलब सेम टू सेम है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम कंड्रियोसोम्स के नाम से भी जानते हैं और कंड्रियोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम अभी बात करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया और कंड्रियोसोम्स के बारे में इससे पहले हमने वर्क ऑफ यानी कि फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि माइट्रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अफवाह के बारे में पढ़ा था उनके पांच अफवाह के यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे जिसमें क्या क्या काम करते हैं उसके अफवाह के बारे में हमने पढ़ा था. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है जब सूरज स्मूथ हमवार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूरज की रोशनी में हमारे जिसम से कोलेस्ट्रॉल को तब्दील करता है विटामिन डी में और क्या करता है कैल्शियम को जज्ब करता है. यह हमारे हड्डियों के मजबूत का बाइस होता है. ये वर्क था किस चीज के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और क्या करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान अहम मालूम कर तब्दील का काम और क्या है राइबोसोम्स को जगह फराहम करता है जो प्रोटीन की तैयारी का काम करता है. और इसके दो मेन जो वर्क है मतलब मेरे को भी ये मतलब इंटरेस्टिंग याद करने के लिए भी और मतलब आसान है और इसके तीन अहम अफ़ार हैं किस चीज़ के याद करने के लिए आसान है कि माइटो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहला काम क्या है ये क्या करता है टॉक्सिक मटेरियल्स को नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स में तब्दील करता है. दूसरा क्या है नुकसानदेह मादों को खुरी से खराज करता है. तीसरा क्या है कोलेस्ट्रॉल को सूरज की मौजूदगी में क्या करता है विटामिन डी में तब्दील करता है और कैल्शियम को जज्ब करता है हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है. ये वर्क थे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया ये छोटे छोटे गोल या प्लेट नुमा अज्सम होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. बास खुलियों में ये डंडी नुमा यानी कि दागा नुमा भी होते हैं. इनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है. ये जानदार खुलियों में अमल तनफ्फुस के यानी कि मरकज के तौर पर शुमार होते हैं और मादर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं मदर से नई नस्ल में मुंतकिल होते हैं और क्योंकि ये अंडे या ओवम एक में होते हैं और क्या होते हैं स्पर्म में मौजूद नहीं होते. माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि अपना डीएनए होता है जो इनको प्रोटीन हिस्सा लेते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ द सेल अक्सर पूछा जाता है एंट्रीटस से लेकर मुख्तलिफ कुन के यकीन नहीं हर हर जगह में मैंने इसके बारे में हर जगह में देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस मतलब चीज को या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है या क्या पावर हाउस ऑफ द सेल है या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है. यही इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है अपना डीएनए होता है जो इसके प्रोटीन के बनाने में मदद करता है. और हर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया तकरीबन 205 मिलीमीटर डायामीटर यानी कि डायमीटर का होता है. ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और उन हिस्सों के बारे में यानी कि वेरी एग्जांपल होता है. इसी वजह से क्या करते हैं उन हिस्सों के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके तमाम हिस्सों के बारे में हम सेपरेटली क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया के हर हिस्से के बारे में तीन कस्म के क्या होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं और वो मुख्तलिफ़ कस्म के काम सर अंजाम देते हैं.